Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप देख रहे हैं ISN7 न्यूज। मथुरा से मुकेश कौशिक की रिपोर्ट। मथुरा थाना गोवर्धन क्षेत्र के गांव नंगला परमरदिया की रहने वाली राजेश्वरी को आपसी वाद विवाद के चलते उसके पड़ोसियों ने उस पीड़ित को मारा। उसके तन से सारे कपड़े तक फाड़ डाले गए। वहीं पीड़िता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो इसकी शिकायत लेकर अंडीक चौकी गई तो चौकी पर तैनात एक सिपाही ने उससे रिपोर्ट दर्ज करने के एवज में पैसे की मांग की। जी हाँ, बड़ा मामला। पीड़िता महिला चौकी से वापस आकर अडिग प्रधान के पास पहुंची तो अडिग प्रधान में उसकी पति पीड़िता को लेकर चौकी पहुंचे, जहां पीड़िता ने रो रोकर इंसाफ की गुहार लगाई, जिसे देख चौकी पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ग्राम प्रधान ने कहा कि अगर पीड़िता को यहाँ न्याय नहीं मिलता तो वो उसे लेकर आला अधिकारियों के पास जाएंगे। क्या नाम है? आप ये रेडिंग चौकी पे आई हो, किस मामले को लेकर आई हो, क्या बात हो? मुझसे मारपीट की है मेरे पड़ोसियों ने, कपड़े लत्ते फाड़ दिए, इज्जत बेइज्जती कर दी मेरी उन लोगों ने, इस वजह नंगा करने की धमकी दी मुझे, कपड़े मेरे घर में फाड़ दिए उन्होंने, रास्ते तक खींच कर लाए मुझे कपड़े फाड़ कर। मैं यहाँ पे आई सुबह हुए अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, तो दीवान साहब ने मुझे बोला रात को ये लोग मेरे साथ गए थे, दरोगा वगैरह सब गए थे, तो सुबह फिर मैं आई थी, मेरे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, मुझे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? दीवान जी ने क्या कहा? तो दीवान जी ने मुझसे बोला था जब रात फोर्स गई थी तुमने 10 रुपए भी दिए, कौन तुम्हारी मदद करेगा, कैसे मदद करेगा तुम्हारी? मतलब पैसे मांगे दीवान जी ने तुमसे? दीवान जी ने पैसे मांगे थे, और मैं कैसे मान लूंगा तुमसे मारपीट हुई है, तब भी मेरे कपड़े लत्ते फटे हुए थे, मैं यहाँ पे आई थी। किससे न्याय की गुहार लगाई आपने, किसके पास आई थी? नितिन भाई साहब के पास आई थी मैं, और ये इनके पास आई हूँ मैं। ये प्रधान इसे नेता हैं? आप प्रधान हो अडिंग के, आप इनके साथ आई हो यहाँ पे चौकी में, क्या मामला रहा और क्या यहाँ पे आपको कोई आश्वासन मिला है? इंसाफ से मिलना चाहिए, इंसाफ के लिए पैसा गरीब कहाँ से लाएगा? आप लोग किस लिए इंसाफ देने के लिए हो ना, अब उसके पास पैसा नहीं है तो उसे इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।